नमस्कार दोस्तों, आपकी हमेशा कमेंट आती है कि संतोष भाई पावर टिलर को जो है पावर टिलर से बेड कैसे मारते हैं, बेड कैसे बनाना है, पावर टिलर कितने का है, पावर टिलर मेंटेनेंस क्या है, पावर टिलर कहाँ कहाँ यूज़ करना है। तो दोस्तों आज हम अपने पॉली हाउस में जो हम लोगों ने शिमला मिर्च के लिए जो बेड बने थे उसको फोड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये भी काम करता है कई ऊंचाई की जगह पर इसको फोड़ने का। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हमारा ये पॉली हाउस है, पॉली हाउस में हम लोग बेड बने हैं, इसको हम फोड़ रहे हैं, सपाट कर रहे हैं। बड़ा ट्रैक्टर हमारे पॉली हाउस में तो आता नहीं, तो हम लोग इसी पावर टिलर से जो है इसको बेड सपाट करने का काम करते हैं। तो इसका काम जो है काफ़ी सारे जगह पे हो सकता है, जैसे HTP हुआ जो स्प्रेयर रहता है वो उसको आगे बेल्ट के जरिए लगा के स्प्रे कर सकते हैं, उसके बाद पानी का पंप लगा के पानी भी इससे खींच सकते हैं, उसके बाद जो गन्ने में भर डालनी पड़ती है मिट्टी से, मिट्टी डालनी पड़ती है वो भी इससे उठा के मिट्टी डाल सकते हैं। तो कई सारे इसके तरीके अलग अलग यूज़ करने के, इसमें छोटा रोटर हुआ, रिपर हुआ आगे लगता है, तो अलग अलग तरीके से इसका यूज़ होता है। एक छोटा पैकेज बड़ा धमाका है दोस्तों, बहुत ही अच्छा अच्छा काम करने में सक्षम है। तो दोस्तों एक्चुअली इसका सही काम मेरे हिसाब से रोटर के लिए बहुत ही बढ़िया है, ये रिवर्स गियर पे जो है ये रोटर पे ये पूरा ये पट्टियाँ काम करती है दोस्तों। तो ये एक्चुअली काम कैसे करता है कि यहाँ पे ये पट्टियाँ लगी है, देख सकते हैं यहाँ पे टोटल दोस्तों ये 2.5 फीट की पट्टियाँ इसमें लगी है। तो ये रिवर्स गियर डालने पे जब उल्टा घूमती है और ये पट्टियाँ बाहर की तरफ मुंह करके रखी है, बाहर की तरफ मुंह होने की वजह से क्या करता है कि पूरा जो माल है मतलब मिट्टी है पूरा बाहर की तरफ फेंकता है, ताकि इस वजह से बेड बन जाता है। और जो बना बेड है उस पर डालेंगे तो वही काम नाली में मिट्टी डाल देगा, तो दोनों ये काम करता है, बेड भी मार भी सकते हैं और बेड इससे फोड़ भी खराब भी कर सकते हैं, तो दोनों काम कर सकते हैं। अगर आपके खेत में आपको आपने प्लाव चलाया, प्लाव के बाद आपको सपाट करना है तो इससे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है कि आप दोस्तों इसको छोटे छोटे जगह पर डाल के इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे पॉली हाउस हुआ, गन्ने में हुआ, या कम जगह जहाँ पे ट्रैक्टर नहीं जा रहा, तो इसको डाल के इसको आप काम में ले सकते हैं। और दोस्तों ये इसका इंजन जो है 13 HP का इंजन है, इसके डीजल टंकी 11 लीटर की है, और उसके बाद इसका एवरेज अगर बात की जाए दोस्तों तो एक घंटे में ये 1.5 लीटर के आसपास खाता है, वो आपके यूज़ करने के ऊपर है। आप अगर खाली ट्रॉली इसमें लगा के चला रहे तो वो एवरेज ज़्यादा देगा, लेकिन आप अगर लोड का काम कर रहे हैं इस तरीके से यहाँ पे जो रोटर लगा रखा है तो लोड पे आपका डीजल जो है ज़्यादा खाएगा दोस्तों। तो इसका जो है हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है दोस्तों इसका VST शक्ति का 130 DI का, आप जाके वो देख सकते हैं डिटेलिंग के इसके बारे में। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि ये बेड फोड़ता कैसे और बेड बनाता कैसे इसके बारे में। तो बस ज़्यादा इस मशीन में कुछ नहीं है, बेल्ट है, बेल्ट के द्वारा पूरा पीछे का हिस्सा घुमाता है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये इसमें चैन रहती है और ये इसमें चैन घूम के नीचे गई है और वो सीधा बीच में घुमाता है जो बीच में रोटर लगा है। और दोस्तों इसका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही आसान है, यहाँ पे गियर सिस्टम हाथ में दी गई है, देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट गियर, सेकंड, थर्ड और रिवर्स दिया गया है। जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डालते हैं, फॉरवर्ड डालते हैं तो आगे चलने में काम करता है, इसको आगे चला के भी दोस्तों इसका रोटर का काम कर सकते हैं। और रिवर्स जब डालते हैं, अगर आपको जब बेड बनाना है पट्टियाँ उल्टी नीचे के लगा के, तो इससे बेड बनता है रिवर्स घुमा के। अब दोस्तों इसका इससे जो है बेड कैसे बनता है, कितना कितना फुट तक बनता है, 4.5 फीट का भी बना सकते हैं, 5 फीट का भी बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। अभी हमारे यहाँ ये देख सकते हैं ये हम लोगों ने लगभग 1.5 फीट के हाइट का बेड है और बीच में 2 फीट की नाली और 3 फीट का बेड है। तो यहाँ पे आप 2 फीट की नाली रख सकते हैं, 3 फीट का बेड रख सकते हैं, मतलब 5 फीट के अंतर से भी बेड डाल सकते हैं। और इसमें दोस्तों क्या है कि इसकी जो टायर्स हैं, आप इसका टायर्स की जगह पे लोहे का टायर्स लगा के आप इसको पैडी में भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे धान की खेती होती है वगैरह वहाँ पे अच्छे से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके टायर्स बाहर भी आते हैं, अंदर भी आते हैं, एडजस्टेबल होते हैं जगह के अनुसार दोस्तों। ये इसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा है, बहुत ही कॉम्पैक्ट मॉडल होने की वजह से इसका काम में बहुत आता है। अब दोस्तों इसका जो है मतलब हर जगह पर फ़ायदा ही फ़ायदा है, बहुत ही अच्छा है। अगर इसके मेंटेनेंस की बात की जाए तो मेंटेनेंस इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, अगर बेल्ट वगैरह टूटा तो भी नहीं, तो नीचे की चेन वगैरह या ऑयल बदली वगैरह तो वो हर ट्रैक्टर में छोटे छोटे करनी ही पड़ती है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की बात बताना चाहता हूँ, इसको जब चलाते हैं तो बहुत संभाल के चलाना पड़ता है क्योंकि ये पट्टियाँ जो है पीछे पीछे आती रहती है, ये भी चक्का घूमता रहता है, इस पर ध्यान देना पड़ता है। कई दफ़ा क्या होता है कि किसान भाई हमारे ऐसे काम करते करते पीछे खींचते खींचते इसमें पैर घुस जाता है और वो पैर जो इसमें अटक जाता है, तो इसका पैर दूरी रखना है हमेशा और इसको जो है धीरे धीरे इस तरीके से पीछे आता है ये खींच खींच के। और यहाँ पे जो है वजन भी इसमें लगाया जाता है ताकि ये काम करते वक्त उठे ना, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये पूरा वजन है। तो दोस्तों बेड की आपकी बहुत बड़ी समस्या है, मुझे काफ़ी सारे कमेंट आते हैं संतोष भाई बेड कैसे मारे, बेड कैसे मारे। तो
इससे आप बेड़ मार सकते हैं। इससे ना हो तो ट्रैक्टर से भी आता है, उसका भी हम लोग आगे चल के वीडियो लाएंगे कि ट्रैक्टर से आप बेड़ से कैसे मार सकते हैं, दो प्लाव के बीच में डिस्टेंस रखें वो भी आसानी से मार सकते हैं। और इसको अगर आप इससे बेड़ मार रहे हैं तो आपको अगर खाद वगैरह डालना है तो आप एक बार खाद डालिए, फिर उसके बाद दूसरी बार बेड़ मारिए तो खाद भी मुन जाएगा, उसका भी हम लोगों ने वीडियो किया है दोस्तों, हमारे चैनल पे जाके बेड़ प्रिपरेशन का देख लीजिए। तो दोस्तों ये जो पावर टिलर है 13 HP का है, इसकी प्राइस रेंज जो है लगभग 1.5 लाख से 2 लाख तक आता है दोस्तों। हर ब्रांड वाइज हर कंपनी वाइज अलग अलग इसकी प्राइस रेंज है दोस्तों, कई सारे कंपनियां हैं पावर टिलर दोस्तों बेचते, आपको देखना है। और सबसे ज़रूरी बात जो है, पावर टिलर में सब्सिडी भी मिलती है, आपको अपने मतलब जो शोरूम से जहाँ से आप लेने वाले हैं उनसे पूरी जानकारी लेके, उसके बाद आपका जो कृषि विकास अधिकारी का कार्यालय है वहाँ पे भी जाके आपको जानकारी लेनी है। लेकिन आप अगर किसान हैं तभी आपको इसमें सब्सिडी मिलेगी, वरना इसमें सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश की कि ये पावर टिलर कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं, मैंने शॉर्ट में आपको कोशिश की बताने की। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है। धन्यवाद।